Hello everyone. In this video, we will read the poem The Quarrel. It is written by Eleanor Fursion. So firstly, let us read about the poet. Eleanor Fursion, 1881 to 1965, was an English author of children's stories, poems and plays. She was encouraged since the age of 5 by her father to write. She was educated at home, spending much of her time in the attic, surrounded by books. She won many awards, and the famous Eleanor Fursion Award for Children's Literature is presented annually in her memory. So students, Eleanor Fursion जो है वो एक इंग्लिश ऑथर, इंग्लिश राइटर थी, ब्रिटिश की ये एक राइटर थी, और इसने बहुत सारी बच्चों के लिए कहानियाँ, कविताएं और नाटक लिखी। और ये जब जस्ट 5 ईयर्स की थी, ओनली 5 साल की थी, तब इसके फादर ने इसको इनकरेज किया था। दैट मीन्स कि इसके फादर ने इसको उत्साहित किया था कि ये लिखा करे, और तब से ये लिख रही है। और इसने अपनी पढ़ाई अपने घर में ही की थी, ज़्यादातर ये जो वक्त है अपना एटिक में बिताती थी। एटिक जिसको गैरेट बोलते हैं, या एक छोटा सा रूम होता है जो कि हमारे घर के टॉप में होता है, छत के नीचे, जो ऊपर वाली छत उसके नीचे, जिसको हिंदी में अटारी बोलते हैं। और वहाँ पे ये बैठकर अपना ज़्यादा टाइम बिताती थी और अपने आसपास बुक्स ही बुक्स रखती थी। शी वन मैनी अवार्ड्स, इसने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे प्राइजेस जीते। और आज भी बच्चों के लिए लिटरेचर, जो बच्चों के लिए साहित्य लिखते हैं, उनको सालाना इसकी याद में एलियनोर फर्जियन अवार्ड दिया जाता है। नो लेट्स फर्स्टली हैव अ लुक एट द पिक्चर ऑफ एलियनोर फर्जियन। नो लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्टली द वर्ड क्विरल, टाइटल इज द क्विरल, एंड द वर्ड क्विरल मीन्स फाइट। फाइट करना मीन्स झगड़ा करना। So in the warm-up zone, what is a quarrel? How do people behave when they quarrel? Have you ever quarreled with anybody? How did you feel about the situation later? So warm-up में सबसे पहले कुछ questions put किए हैं कि quarrel क्या होता है, लड़ाई करना होता क्या है, और लोग जो हैं वो क्या कैसा behave करते हैं, क्या करते हैं जब वो fight करते हैं, और क्या आपने भी कभी किसी के साथ quarrel किया है, और हाउ डिड यू फील, और आप तब कैसा फील करते हो उस सिचुएशन के बाद, आप क्या अनुभव करते हो जब आप फाइट करते हो। सो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पुट किए, और इसमें जो स्टूडेंट्स यू कैन सी, यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक गर्ल है एक बॉय है, और ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं जो कि आपस में क्विरल करते हैं। एक्चुअल में जो पोएटेस है इसमें अपनी फाइट ही अपने ब्रदर के साथ बता रही है कि कैसे वो जब बचपन में अपने चाइल्डहुड में अपने ब्रदर के साथ फाइट करती थी, ठीक है। और इसने इस पोएम में ओनली 2 स्टैंजास दिए हैं। सो ये एक्चुअल में जो फाइट है, जो क्विरल है, ये हिडन लव है। इसमें हिडन लव बताया, छिपा हुआ लव बताया हुआ है, क्योंकि जो ब्रदर सिस्टर है फर्स्टली तो फाइट करती हैं, बट एट द एंड एक दूसरे को मना लेती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई क्विरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट। The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. So इसमें I जो है, I narrator यहाँ पे जो बोल रहा है, बोल कौन रहा है, Eleanor Fursion, ये बोल रही है। इसने I अपने लिए use किया है, ये कहती है कि मैं अपने brother के साथ quarrel करती थी, ठीक है, लड़ाई करती थी, बट हम मेरे को पता नहीं होता था कि किस बात के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, किस बात के लिए हम फाइट कर रहे हैं। कहते एक के बाद दूसरी फाइट हो जाती थी, और फिर क्या होता था कि किसी न किसी तरह से हम क्विरल करते थे, किसी न किसी बात से हम फाइट करते रहते थे। और जो उसका स्टार्ट है, जो बिगनिंग है क्विरल की, वो तो स्लाइट सी होती थी। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग, जो झगड़े की स्टार्टिंग तो थोड़ी सी होती थी, बट जो उसका एंड होता था, जो झगड़े का, जो फाइट का एंड होता था, वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा पावरफुल होता था। ही सेड ही वॉज राइट, यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया है, ब्रदर के लिए। एलियनोर फर्जियन ने अपने ब्रदर के लिए यूज़ किया है। वो कहती है कि वो कहता था कि मैं ठीक हूँ, तू रॉन्ग है, बट ये कहती कि नहीं, I knew he was wrong, कि कहते कि मैं जानती थी कि वो wrong था।
We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right." So जो second stanza है उसमें क्या बोल रही है पोएटेस कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत हेट करते थे, बहुत नफरत करते थे, एक दूसरे को अवॉइड करते थे, ठीक है। देन कहती है कि जो आफ्टरनून, द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक, इट मीन्स यहाँ पे ब्लैक का मीन्स नाइट है, कि दोपहर को हम स्टार्ट करते थे जब फाइट, रात तक ये जो फाइट है चलती रहती थी। देन कहती है कि अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, कहती है कि उसका ब्रदर आया और उसको उसने पीछे से थंप किया, हिट किया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे धक्का लगाया। एंड देन ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, और उसका ब्रदर उसको बोलता है कि अरे अब तू आ जा, हम ये पूरी फाइट को, पूरी रात, हम इस फाइट को पूरी रात तक नहीं लेकर जा सकते। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू एंड कम अलोंग मीन्स टू अराइव। अब उसका ब्रदर उसको बोलता है कि चल तू अब आ जा, हम इस फाइट को, इस झगड़े को पूरी रात तक नहीं लेकर जा सकती। देन ये जो गर्ल है, यहाँ पे जो बॉय है वो अपनी सिस्टर को मनाने आया है, और ये देखो यू कैन सी इन दी पिक्चर, ये अब सिस्टर जो है वो मान भी गई है, वो अपने ब्रदर की बात से स्माइल कर रही है, मान गई है। देन ये गर्ल, ये जो रियानो और फर्जियो ने, देन ये कहती है कि आई वॉज इन दी रोंग सो ही वॉज इन दी राइट, कि अब वो कहती है कि अब मैं रॉन्ग थी वो राइट था, क्योंकि अब जो मनाने वाला होता है वो बड़ा होता है ना। सो यहाँ पे पोइम इज़ फिनिश। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इंटरेस्टिंग सी पोइम, जो ब्रदर सिस्टर में क्विरल हो रहा है, सिबलिंग में क्विरल हो रहा है, वो मज़ेदार पोइम समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।